नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई सुबह के हो रहे हैं 9:30 और हम लोग आ गए फिर से भाई बच्चों को छोड़ने के लिए। कल गाड़ी का रहा भाई, गाड़ी में आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैरियर वगैरह नहीं लगा था, उस करके का सामान एडजस्ट नहीं हो पाया अच्छे से। तो आज आगे हमें फिर से इनको छोड़ने के लिए। यहाँ पे धुंध देखो ज़्यादा हो रही है, बारिश का मौसम है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि धुंध। देखिए पीहू दीदी जी, पलक है दीदी, और नब्बू, यशिका, तृष्णा बैठे हुए भाई, वेट कर रहे हैं गाड़ी का। आप भी जा रहे हो? आप जा रहे हो कहाँ? आगे गाड़ी तो देखिए भाई, आगे गाड़ी और जाएंगे भी गाड़ी में लोग। तो यशिका कैसे जाए, कानों को सुला दिया जा रहे हैं भाई सभी, और सामान वगैरह रख रहे हैं गाड़ी में, ये पतिदेव और मम्मी जी लेके जा रहे हैं सामान रखने के लिए। तो अभी गाड़ी इसमें जाएंगे लोग। तो देखिए भाई कैरियर के ऊपर रख रहे हैं सामान, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था तो उसको रख रहे हैं इसके ऊपर, और ये रखा है एडजस्ट करके तरपाल वगैरह लगाएंगे ऊपर तो कड़ाने में सामान। ए टूटी आने दी, तो आए हम सभी छोड़ने के लिए बच्चों को, रखा सामान भी ऊपर। पीहू की अम्मा भी जा रही है चंडीगढ़, पीहू इधर देखो ठीक है अगला है। बांध रहे हैं भाई कैरियर में सामान को, तो कर रहे हैं भाई सभी को बाय, जा रहे हैं सभी लोग। ये भी त्रिशा लगे रोने, चलो तो बैठा भरो, तू भी रोने लग गया है? आ जाएंगे तुम लोग यार थोड़े दिनों बाद, शादी तो है तो तू नहीं उनकी तरह ठीक। चला बाय बाय बच्चों, बीच बैठना तो बीच बैठ जाओ, रो रही है तो जा रहे हैं वैसे भी बैठ गए गाड़ी में, बोले बीच बैठ जाओ ना। ठीक है ईशु, ईशु बाय। बाय त्रिशा। और रोना लग गई पीहू, रो रही है भाई पीहू, चुप हो जाओ पीहू, रो रही है भाई अपने भैया के जाने पे, रो रही है भाई, इसको याद आ रही है बच्चों की। आ जाएंगे वो मुन्ना, जिम्मी भी गया था भाई छोड़ने के लिए। तो भी भाई समय हो गया 1:15 के करीब और मैं आ गई खेतों में। तो ये अभी अंकल जी वालों का खेत, तो इन्होंने काफ़ी पहले बीज वगैरह डाले थे यहाँ पे, अब तो देखिए भाई भुट्टे के पौधे कितने बड़े बड़े हो गए, पतिदेव आ रहे हैं अभी इधर। आप भी जा रहे हो? तो देखिए तो हमने जो चरी वगैरह डाली हुई थी खेतों में, देखिए हमारे खेत वो नीचे जो दिख रहा है जहाँ पे
गलगल का पेड़ वहाँ पे हमारा खेत, तो उसमें आ गया थोड़ा थोड़ा अंकुर बीज वगैरह आ गए हैं भाई, सॉरी अंकुर वगैरह आ गया जो बीज वगैरह हमने डाले थे। तो मम्मी जी आए हुए भाई इधर बीज बोने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो हम मम्मी ने और पापा जी ने लगाए थे, पता नहीं किसने डाले हुए थे। तो ये देखिए भाई खीरा, खीरा बोया था, और ये है घिया, घी की बेल है घिया, और देखिए भिंडी, और साथ में क्या बोलते हैं इसको अरबी। तो यहाँ पे डाल रही मम्मी जी बीज। तो भाई अभी काफ़ी टाइम बाद बारिश हुई, मानसून जल्दी नहीं आई, उस करके जो भी हमने बीज वगैरह डाले हुए थे वो इतने ज़्यादा अच्छे से निकले नहीं अभी, और सूख के बुरा हाल हो गया इनका बेचारा का, काफ़ी ज़्यादा धूप थी उस करके सूख के हो गए। देखिए कैसे सूख गया अरबी का पौधा, अजीब से हो गए ये सारे भाई, अभी इतने ज़्यादा बारिश नहीं हुई, जब बारिश खूब होएगी तभी अच्छे से फैल जाएंगे। तो ऐसा ही मम्मी फैला रही है गोबर, तो डालते हैं यहाँ पे गोबर और डालते हैं फिर बीज। ये पाया पापे है ना थी इलायची का पौधा, लीची 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 का पौधा है, लीची का भाई। तो ये लगाया था हमने उधर गमले में था ये, तो यहाँ पे ये मम्मी जी ने ऐसे ही गमले में डाल दिया था एक गुटली इसकी लीची की, तो ये हो गया था गमले में अच्छे से। तो पापा जी ने गमले से निकाल के इधर लगा दिया भाई इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने खुदाई वगैरह मैंने कर दी है आधे खेत में, और थोड़ा सा बच्चा वो मम्मी कर दी है आधे खेत में। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोएंगे भाई, तो देखते हैं अभी कैसे होते हैं वो। देखिए मम्मी जी कर रही है खुदाई यहाँ पे, बहुत सारे खेत में देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है भाई, एक बज रहा है और अभी हम लोग खेत में ही हैं। तो अभी हम मैं आई थी थोड़ी देर पहले 1:15 और 15-20 मिनट हुए मुझे यहाँ आए हुए। तो हमें तो अभी हम लोग वही बीज वगैरह डालेंगे खेतों में, काफ़ी टाइम हो गया था बारिश ना होने की वजह से काफ़ी लेट हो गई बीज वगैरह डालने के लिए। तो ऐसा अभी बारिश इस बार बहुत लेट हुई, उस करके बीज वगैरह नहीं डाला हुआ था और क्यारी वगैरह भी नहीं बोई हुई थी। तो अभी बोए गए हम लोग, अभी हो गया बारिश। तो भाई अभी खीरे वगैरह, कद्दू, भिंडी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, करेलू, ऐसी ऐसी आइटमें जो बरसात में हो जाती है वो लगाए गए। और देखिए आलू निकल रहे हैं अभी भी, तो जो हमने निकाले थे आलू उसके बावजूद भी यहाँ पे और आलू निकल रहे हैं। तो बने रही वीडियो के साथ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को और मज़ेदार वीडियो क्लिप्स। और देखिए अच्छी सी हवा चली हुई है, तो ऐसा है भाई। तो देखिए भाई हमने जो बीज वगैरह डालने थे वो डाल दिए हैं इस वाले क्यारी में। तो देखिए बन गई हमारी इतनी बड़ी क्यारी भाई। और अभी यहाँ पे जो भिंडी वगैरह लगाई हुई थी वो इतनी ज़्यादा लगी नहीं है, तो यहाँ पे मम्मी जी और भिंडी वगैरह बो रहे हैं। तो ऐसा है भाई, ये हो गई हमारी क्यारी तैयार, गोबर वगैरह डाल के हमने इसमें अच्छे से कर दिया इसको सीधा प्लेन। तो लगा रही मम्मी जी भिंडी, इतना खराब है नहीं कुछ, ये लग रहा है मैं कुछ क्यों नहीं कह रही इतनी भी करा जब मैं करा कुछ की। तो ये भी देखिए भिंडी का ही पौधा था, ये देखिए इतनी अच्छी भिंडी लग रही थी छोटी सी, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि कैसे हो गई इसकी हालत बेचारे की, तो ख़राब हो गया सारा। देखिए भिंडी है, ये भी भिंडी का पौधा था, इतने अच्छे से हो रहा था ये, लेकिन सूख गया धूप की वजह से। तो ये खरपतवार है, इसको निकाल देती हूँ मैं हाथों से। तो ऐसा है भाई, चलते हैं अब घर की ओर, करते हैं लंच। तो बने रही वीडियो के साथ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को और मज़ेदार वीडियो क्लिप्स। तो भी क्यारी में बीज डालने के बाद हम लोग मम्मी जी गए हैं भाई गायों को पानी पिलाने के लिए। तो देखिए भाई हमारे जो भुट्टे के बीज थे वो भुट्टा जो हमने बोया था अपने खेत में वो कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो एक हफ्ता ही हुआ होगा हमें बीज डाले हुए
खेतों में, तो अच्छे से हो गया भाई। ये देखिए चरी भी यहाँ पे, चरी बाजरा मिक्स डाला हुआ है। और देखिए वो वाला खेत में कितना अच्छा हो गया भाई। हैं ये चिबा देंगे खीरा। ठीक है भाई, और वो देखिए हरा हरा दिख रहा है कितना अच्छा ना। तो आम भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं भाई, बेचने पड़ेंगे दुकान में ऐसा लग रहा है मेरे को। तो बारिश की ना होने की वजह से भाई आम की भी नहीं इतनी अच्छी फसल हुई। देखिए कितने छोटे छोटे आम है भाई यहाँ पे। तो ऐसा है भी, तो बनी रही है वीडियो के साथ, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को और मज़ेदार वीडियो क्लिप्स। और चली हुई अभी हल्की हल्की हवा, तो अच्छा लग रहा है। हवा हवा लेते हुए अच्छा लग रहा है, क्योंकि नेचुरल जो हवा होती है वो बहुत अच्छी होती है, और धूप में हवा चले तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है भाई। तो मौसम ऐसा है घुटन घुटन सा, अजीब सा ऐसा लग रहा है। आसमान में अनोखी सी चद्दर बिछ के देखिए, तो कई बार हल्की सी धूप आती है, कई बार बारिश का मौसम हो जाता है। ये मौसम तो सबसे बेकार लगता है मुझे, ना बारिश है ना धूप है ना बारिश है, कुछ भी नहीं है, मिक्स ही है। तो ऐसा है ना, मौसम साफ है ना बारिश है ना धूप है। तो लेके आ रहे भाई पतले पानी, पतले को ज़्यादा पानी लाने के लिए गायों के लिए, क्योंकि हम लोग इधर खेत में काम कर रहे थे। तो लेके आ रहे भाई पतले पानी, देखिए गुड जॉब। इन्ना दे देनी था, पर ये तू से बिलहरा था ना।